Assalamualaikum everyone, Samanur here and today I'm going to talk about how I remove my facial hair or peach fuzz. जो मुझे peach fuzz से मसला है वो ये है कि उससे ऐसे लगता है जैसे मेरे मुंह पे texture है, although इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो वो इस तरह के illusion देता है और इस वजह से मैं वो regularly remove करती हूँ क्योंकि obviously when I put on makeup, वो makeup sticks to it and thus ये सारा मसला होता है, ठीक है? So this is why I go for regular removal of facial hair. अब मैं वैक्सिंग क्यों नहीं करती, मैं वैक्स इसलिए नहीं करती क्योंकि एक तो मुझे उससे दाने निकलाते हैं, दूसरा वो मेरी स्किन की इलास्टिसिटी के साथ मैस करता है और तीसरा इट्स काइंड ऑफ पेनफुल, ठीक है? और फिर मैं ब्लीच क्यों नहीं करती, ब्लीच हम सबको पता है स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है, एजिंग प्रोसेस के साथ मैस करता है और तीसरा ये कि वो सिर्फ आपके बालों को कलर करता है तो वो टेक्स्चर से फिर भी आपको निजात नहीं दिलाएगा, ठीक है? उर्दू अच्छा. उसके बाद मैंने ये क्यों चूज़ किया, मैंने ये टिंकर रेजर क्यों चूज़ किया. दीज आर टिंकर रेजर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आईब्रो रेजर्स, ठीक है? इन द मार्केट मिनीसो लैकली इस तरह की शॉप से मिल जाएंगे आपको. पैक्स होते हैं यूजुअली और इस प्रोसेस को हम डर्मा प्लानिंग एट होम भी कहते हैं और शेविंग योर फेस भी कहते हैं, ठीक है? तो वाई आई शेव माई फेस, आई शेव माई फेस बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज पेनलेस. Secondly, this can be done at home by myself. मुझे professionals की ज़रूरत नहीं है. Thirdly, ये आपकी skin को physically exfoliate भी कर देता है, ठीक है? आपकी skin के ऊपर जो texture होता है, सारा कुछ होता है, dead skin cells होता है, ये उन्हें भी साथ साथ remove कर देता है. Which reminds me, अगर आप ये काम regular basis पे कर रहे हैं तो आप scrubs वगैरह मत use करें क्योंकि over exfoliation भी कोई चीज़ होती है and you have to avoid it, ठीक है? उसके बाद इसके मुझे कोई कॉन्स नहीं है सिवाय इसके कि आप कट्स वगैरह खुदा ना खास्ता लगा सकते हैं अगर आप केयरफुल नहीं हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल. अब इसके बाद मैं ये करती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर द कंटिन्यूस इसके बाद, लेकिन मैं ये प्रोसीजर जो है वंस अ मंथ करती हूँ. अच्छा, अब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ये हैं कि आप जब ये प्रोसीजर करें, जब भी आपने 48 आवर्स तक कम अज कम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना, ठीक है? और आपने 48 आवर्स तक मेकअप भी नहीं लगाना मुंह पे क्योंकि आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं एंड दिस कैन कॉज ब्रेकआउट्स, ठीक है? और उसके अलावा आपने, मैंने जैसे बात पहले कही है कि आपने ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करनी, आपने स्क्रब्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करने जो दूसरे फिजिकल एक्सफोलिएंट्स होते हैं, और केमिकल एक्सफोलिएंट्स पे भी थोड़ा सा हाथ हल्का रखना. अब आ जाता है बिफोर द प्रोसीजर. अब I'm obviously going to give you a demo of everything that I do before the procedure and that I do during and after the procedure. शुरू करने से पहले I make sure कि मैं ये रात को कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं स्किन केयर लगाती हूँ वो स्किन के अंदर ज़्यादा अच्छी सिंक होती है और उसमें कुछ नाइट टाइम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? और फिर उसके अलावा मैं अपने जो आईब्रोज और अपर लिप्स के इर्द गिर्द बाल होते हैं मैं उन्हें सबसे पहले रिमूव कर लेती हूँ ट्वीज़र या थ्रेड से क्योंकि वो जो होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द हेयर, तो उन्हें उस तरीके द गुड ओल्ड वेज ही बेहतर होती हैं. लेकिन आई स्टिल गो ओवर विद द रेजर इन दोज एरियाज, छोटे छोटे बालों को या फाइन बालों को रिमूव करने के लिए. उसके बाद आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी स्किन थॉरली जो है वो साफ है, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करती हूँ कोई भी मेकअप रिमूवर या माइसेलर वाटर जैसे ये वाला, ठीक है? ये गार्नियर का है, ऑयल इन वाटर है, आप सिंपल वाला इस्तेमाल कर लीजिए, टोटली अप टू यू, ठीक है? इससे मेरे मुंह पे अगर कोई रिमेनिंग मेकअप के स्पेक्स हैं या कुछ भी है या डर्ट है या पसीना है वो सब मैं रिमूव करती हूँ. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है चारकोल मास्क, ठीक है? सिवाय पील ऑफ मास्क के आप कोई भी चारकोल मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मैं फ्रीमैन वाला यूज़ करती हूँ, आप लोरियल भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन पील ऑफ मास्क आपने इस्तेमाल नहीं करने. नेक्स्ट स्टेप इज वॉशिंग योर फेस. आई यूज दिस ब्यूटीफाई बाय आमला जेंटल क्लेंजर. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फेस वॉश. यू कैन यूज एनी फेस वॉश दैट वर्क्स फॉर यू. इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज दिस वन, बट सिंस इट इज अ मोर पोटेंट फॉर्मुला एंड इट इज रिकमेंडेड टू यूज ऑनली 2 to 3 टाइम्स अ वीक, आई एम गोइंग टू यूज दिस वन बिकॉज द मोर क्लीनर योर स्किन इज द बेटर. अब ड्यूरिंग द प्रोसीजर व्हाट आई डू इज आई यूज अ गुड ऑयल, ठीक है? ऑर्गेनिक नेचुरल होना चाहिए फेशियल ऑयल और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ पोर्शन बाय पोर्शन. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ये वाली चीक पहले कर रही हूँ तो मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा और इसे थोड़ा सा रब करूँगी और यहाँ पर मैं अपना वो रिमूवल वाला काम करूँगी. फिर मैं यहाँ करूँगी, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह स्टेप बाय स्टेप. पूरे फेस पे मैं एक साथ नहीं लगाऊंगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट इट टू एब्जॉर्ब कम्प्लीटली, ठीक है? द फेस शुड हैव सम ग्लाइड सम मॉइस्चर टू इट ताकि आपकी स्किन खिंची ना जाए और कट लगने की नौबत ना आए. अब आपने अपना जो रेजर है वो सबसे पहले डाउनवर्ड मोशन में लाना है, उससे आपके जो मुंह पे बाल हैं वो सारे उतरेंगे, ठीक है? आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे किया कि आपने पहली चीक पे ऑयल लगाया, पहले वहाँ डाउनवर्ड मोशन में पूरा रन किया, उसके बाद अपवर्ड, ठीक है?
और अपवर्ड से क्या होगा कि अपवर्ड से आपके जो फेस की एक्सफोलिएशन है वो होगी, ठीक है। तो डाउनवर्ड आपने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपका मेन फोकस है हेयर रिमूवल। उसके बाद आपने जब आप पूरा फेस पोर्शन बाय पोर्शन करके कर लें, आप अपने फेस को टिश्यू से साफ करें और उसके बाद आप पूरे फेस पे दोबारा ऑयल लगाएं और फिर अगेन गो ओवर इट इन डाउनवर्ड मोशन टू गेट रिड ऑफ एनी रिमेनिंग हेयर। और ड्यूरिंग द प्रोसेस आप अपने ब्लेड को टिश्यू से बार बार साफ करते रहें टू गेट द गंक स्टक इन इट आउट, ठीक है। अब आफ्टर द प्रोसीजर द स्किन केयर रूटीन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉश योर फेस विद अ गुड जेंटल क्लेंजर, ठीक है। आई हैव ड्राई स्किन एंड आई यूज दिस वन बाय ब्यूटीफाई बाय आमना। इट इज द जेंटल फेस वॉश एंड इट डज नॉट ड्राई माई स्किन आउट एंड इट क्लींजेस थॉरली, ठीक है। इफ यू हैव ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन या वेरी सेंसिटिव स्किन, सो गो फॉर द पामर्स एंटी एक्नी एंटी बैक्टीरियल सोप। It is very very nice in controlling acne. After the face wash, I like to use a good mask, ठीक है, and like not a purifying mask or anything, something which is for brightening or hydrating your skin, ठीक है, a good wash off mask, and I am using this one by Beautify by Amna. I swear this is not a promotional video. I'm just using these products lately क्योंकि I have run out of others and I have to test them. So this is the brightening face glow mask, ठीक है, and this is also for hydration and brightening. So what happens is that after you do all of this work on your skin, the dermaplaning, the exfoliation, your pores are open and anything, any skincare you put on it, it will absorb it and it will increase the effectiveness more efficiently. So this one by Beautify by Amna is what I use next. Okay, next up I go in with the toner to maintain the pH balance of my skin and tighten the pores. The two toners that I use is one by Femilish, the Sandal Infused Rose Luminizer. This is a very nice natural one option, and this is the Beautify by Amna Mineralizing Thermal Water. These are the two toners that I use. I haven't used this after dermaplaning yet, but I always use the Femilish ones. After toning, your skincare is completely dependent on your skin type. Agar aapki skin oily hai, acne prone hai, sensitive hai, redness ho jati hai, to go for something that has healing properties like the ingredient aloe vera. And this aloe propolis soothing gel by Benton is a really good recommendation, so you can go for it to maintain your skin and balance it out. Lekin agar aapki skin dry hai ya normal hai, to go for a sheet mask, kyunki sheet masks are intensively hydrating masks aur unka effect mazid efficient aur intensify ho jata hai after shaving your face. My sheet masks are mainly from Glamaxi, jo unke glow boxes hote hain. The glow box is a monthly subscription service, theek hai, which has a bunch of masks, or the one that I'm going to use today is by Nature Republic. Okay, so this last step is completely optional, it's not compulsory. It is the application of a sleeping mask once the essence of your sheet mask is completely absorbed into the skin. This is by TM Global. It is the Snail and Azelin sleeping mask. I love this one for healing and hydrating my skin. You can use any by Tony Moly or other Korean brands, but a sleeping mask of any kind that works for you normally would work, theek hai? Now this was how I shave my face. This was how I do the skincare before and after, all the precautionary measures and everything. Still, if you have any kind of question, any confusion, any query, please let me know in the comments down below. I'll be happy to answer. Bye.